क्या कोई ऐसा एक्सेप्शन है कि जहाँ पे आज तो ये नियम चलता है प्रकृति में, कल वो चेंज हो जाएगा? ऐसा कहीं है एग्जाम्पल? तो आप इसके बारे में ज़रूर सोचिए। तो ये हमारी पहली ऑब्जर्वेशन है। जब हम अपने आसपास देखते हैं, हम ब्रह्म विद्या की बात कर रहे हैं, तो हमारे आसपास जो ब्रह्मांड है, जो संसार है, जो हमारा संसार है, जिसके अंदर हम आगे सब चीज़ें देखते हैं हमारे सामने घटते हुए, क्या उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ है जो नियम के अनुसार नहीं चलती? ऐसे ही जब हम आसपास देखेंगे अपने, तो हम पाएंगे कि इनइक्वालिटी है, वैरायटी है, अलग अलग लोगों की अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। अब हम बात कर रहे हैं मनुष्य की। तो जैसे एक मनुष्य जो है सुंदर है, एक मनुष्य औसत है और एक जो है वो सुंदर नहीं है, ऐसे एक अमीर है, एक गरीब है, कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, और अब तो ट्रांसजेंडर भी है। तो कोई व्यक्ति, उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, कोई व्यक्ति जन्म से ही बीमार रहता है, उसकी हेल्थ नहीं बनती है, किसी की आंखें वीक होती हैं, किसी की आंखें जो हैं बहुत स्ट्रांग होती हैं। तो इतने नाना प्रकार के अलग अलग वेरिएशंस, वेराइटीज हमें पाते हैं पूरी दुनिया के अंदर, हमारे आसपास भी। ये वेराइटी क्यों है? ये ऑब्जर्वेशन तो है कि भाई आफ्टर ऑल एक ही टाइम पे एक बच्चा सड़क पे पैदा हो रहा है और एक टाइम पे वो किसी अमीर के घर में पैदा हो रहा है, उनकी लाइफ तो टोटली ही डिफरेंट हो गई। किसी व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है इतना सा पैसा कमाने के लिए, और किसी को कुछ नहीं करना पड़ा, उसको इतना मिल रहा है, बैठे बैठे वो किराए खा रहा है। ये माजरा क्या है? ऐसी इनइक्वालिटी क्यों है? तो ये भी हम बात करेंगे, पर पहले हम ऑब्जर्व करें, देखें, पहचाने कि इनइक्वालिटी है, वैरायटी है। इक्वालिटी का मतलब ये है कि हमें कुछ नहीं पता कि हम जहाँ पैदा हुए वो वहाँ क्यों हुए। हम तो चाहते, अगर हमारे को चॉइस दी जाती, तो हम तो सबसे अमीर, सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया बॉडी के साथ पैदा होते, मगर ऐसा तो नहीं है। तो ये वेरिएशन, ये डिफरेंसेस, ये इनइक्वालिटी, ये चांस, इसको हम किस्मत भी कह सकते हैं, इसको भगवान की मर्जी भी कह सकते हैं, जो मर्जी कहें, ये है। तो ये दूसरी ऑब्जर्वेशन है। पहली कि कुदरत नियम अनुसार चलती है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कुदरत में जो नियम के अनुसार न चले। और दूसरी कि हमारे आसपास इर्द गिर्द सब लोग अलग अलग टाइप के हैं, सब लोग अलग अलग क्वालिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, उनके अपने अपने स्वभाव अलग हैं, परिस्थितियां अलग हैं, सर्कमस्टांसेस अलग हैं, और वो उन्होंने चूज़ नहीं करा कि हमें आज गरीब बना दो, हमें रिक्शे वाला बना दो, कि हम बहुत मेहनत करेंगे दिन भर और थोड़ा ही कमा पाएंगे, धूप के अंदर, बारिश के अंदर, सड़कों पे काम करते रहेंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं तो ये नाना प्रकार की हमारे को जो है किस्में मिलती हैं। तो ये दूसरी ऑब्जर्वेशन हो गई। तीसरी ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं कि जो हमने बोला प्रकृति के नियम, इनको हम कह सकते हैं यूनिवर्सल लॉज, ब्रह्मांड के जो नियम हैं ये सब पर लागू होते हैं, तभी तो वो ब्रह्मांड के हैं। और उनके जगह पे दूसरे जो टाइप के नियम जो हम बनाते हैं, मनुष्य बनाते हैं, उनको हमने कहा था मैन मेड लॉज, जो मनुष्य खुद बनाते हैं। तो ये लोकल होते हैं, मोटे मोटे फर्क हैं प्रकृति के नियमों के अंदर और मैन मेड लॉज के बीच में। तीसरा जो अंतर है